यहाँ पर ये दे दिया है सो दैट हमें प्रूव करना ये बाय मैथमेटिकल इंडक्शन. मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है, पहला पी एन बी द स्टेटमेंट. ओके, पी एन बी द स्टेटमेंट. पी एन बी द स्टेटमेंट क्या, ए आई, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बी ए का पर एन, ए का पर एन इंटू आई प्लस एन ए एन माइनस वन इंटू कितना बी ए. ओके, ये हमें पहला पी एन बी द स्टेटमेंट होता है. उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन, उसके बाद हमारा पी ऑफ वन. पी ऑफ वन अगर ट्रू होगा उसके बाद आज्यूम करेंगे. उसके बाद ये पी ऑफ वन क्या होगा, एन के बदले में क्या वन लिखा जाए, ए प्लस आई बी ए. ये एल एच एस हुआ, आर एच देखो ए आई, ये एन के बदले वन डालो. ये वन डालने से क्या होगा, वन एड बार वन माइनस वन क्या जीरो. बी इंटू ए ना, बी इंटू ए, तो ये आ रहा है क्या आर एच एस, क्या आ रहा देखो ए आई प्लस बी ए. तो तुम्हारा एल एच एस क्या, ये एल एच एस था और ये तुम्हारा आर एच एस है. हेंस पी वन इज व्हाट, हेंस पी वन इज ट्रू. इस वन टू थ्री जितना सब क्वेश्चन है मैथमेटिकल इंडक्शन में प्रूव होगा. ओके, उसके बाद क्या होगा कि अज्यूम करना है क्या, पिक अप विद द स्टेटमेंट. पिक अप विद द स्टेटमेंट मीन्स क्या होगा, पी ऑफ के ए आई प्लस बी ए के, ये क्या होगा एड उधर के टू आई प्लस के ए के माइनस वन इंटू बी ए. हमें टू प्रूव करना है, ओके. यहाँ पर हुआ तुम्हारा एल एच एस इक्वल आर एच एस, पी वन इज ट्रू. उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या अज्यूम करना है क्या, पिक अप विद द स्टेटमेंट. क्या पिक अप विद द स्टेटमेंट क्या होता है, तुम्हारा जहाँ पर एन है उसके बदले के लिखना है, इधर एन के बदले के, ये एन के बदले में क्या लिखना है के, और ये एन के बदले के ए के माइनस वन बी ए. ओके, टू प्रूफ क्या करना है, पी ऑफ के प्लस वन. अगर वो ट्रू हो जाएगा तो स्टेटमेंट इज ट्रू. टू प्रूव करना है पी ऑफ के प्लस वन. पी ऑफ के प्लस वन मीन्स तुम्हारा जहाँ पर के है उसके बदले के प्लस वन लेना है. ए आई प्लस बी ए, के बदले के प्लस वन लिखोगे. ये ए के बदले में क्या के प्लस वन डॉट आई प्लस तुम्हारा के प्लस वन उसका पार देखो के प्लस वन माइनस वन क्या हो जाएगा, और ये क्या था के इंटू एट द्वार के इंटू क्या बी ए. के बदले के प्लस वन लिखो, और ये के बदले क्या लिखो, ए का पार क्या होगा के बदले के प्लस वन होगा तो के प्लस वन माइनस वन कट जाए क्या के. ये हमें प्रूव करना है. पी ऑफ के प्लस वन अगर ट्रू हो जाएगा तो हम द स्टेटमेंट इज ट्रू. तो ये कैसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, तो क्या करोगे, हम एल एच एस इसका करेंगे. एल एच एस क्या है, एल एच एस करना ए आई प्लस बी ए का पार क्या के प्लस वन. अगर हम ये प्रूव करते हैं, अगर ये हमें प्रूव कर लेते हैं तो स्टेटमेंट क्या होगा ट्रू होगा. देन तुम्हारा ए आई बी ए इसका पार के इंटू ए आई प्लस बी ए, हमारा बेस सेम होता है तो पावर का क्या ऐड होता है. अच्छा, इसका वैल्यू तुम आजम से लोगे,
इसका पहले कहाँ से लोगे? ये पहले तुम आजम से लोग। आजम क्या था? इसका पहले आजम से लोग क्या? एक बार के इंटू आई, एक बार ए बोलो, उसका आजम का क्या था? एक बार के आई, इसका आजम से एक बार के आई, एक बार के इंटू आई, ये पूरा आजम, पूरा टोटल वैल्यू आजम से ले रहा था, प्लस के ए इंटू बी ए। ओके अच्छा, देन ये तुम्हारा क्या हो रहा है? ए आई प्लस बी ए। ओके ये वैल्यू कहाँ से लाए तुम? इसका वैल्यू आजम से तुम लाए। ये हमें एल एच एस कर, अगर ये हम कर देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ओके तो तुम्हारा देखो, हमारे यहाँ पर एक बात ध्यान दो, ये प्रूफ में ये हाँ प्लस बी ए है। अच्छा सुनो, इंटू करो, तुम्हारे बच्चों इंटू करो, तुम्हारा क्या होगा बोलो? एक बार क्या आई स्क्वायर। एक बात ध्यान दो, तुम्हारा आई स्क्वायर जो है दो बार इंटू करने से भी आई आएगा, आई को अगर तीन बार इंटू करने से भी आई आएगा। और ए इंटू आई क्या होता है? ये थोड़ा ए का थोड़ा देखो, ए इंटू आई आई ए होता है, अगेन आई क्यू को तीन बार इंटू करने से आई आता है, आई स्क्वायर भी क्या होता है? आई होता है। ओके तो इसे इंटू करो, एक के बार के प्लस वन इंटू आई स्क्वायर, अगेन ये प्लस एक के बार के आई, ये बी ए। ओके उसके बाद ये इंटू करेंगे के ए, के का माइनस वन, ये उसका पार है प्लस वन, क्या के आ जाएगा। उसके बाद इन बी इंटू ए इंटू आई। ओके तो अभी क्या हुआ, हम क्या किए पहले बोलो? एक बार के आई किससे मल्टीप्लाई, इससे हुआ, फिर एक एक बार के किससे, बी ए से मल्टीप्लाई हुआ, के का बार किससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई हुआ, के का इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, क्या क्या के ए के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके अच्छा अभी मैं एक बात बोल रहा था कि आई स्क्वायर क्या होगा, आई होगा, मतलब ए के प्लस वन आई। अच्छा एक काम, अभी एक बात बोल रहा था कि तुम्हारा ए इंटू आई क्या होता है, ए, इसी तरह तुम्हारा बी इंटू, हाँ तुम्हारा जो आई के साथ हो बी ए ही आ रहेगा, ये तुम्हारा ए के बी ए। जैसे तुम्हारा ए इंटू आई क्या होता है, ए होता है, तो तुम्हारा ए इंटू आई के बदले तुम क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो। ओके कोई भी मैट्रिक्स के साथ, कोई भी मैट्रिक्स, बी कांस्टेंट है लेकिन कोई भी मैट्रिक्स के साथ आई मल्टीप्लाई करोगे वही ए ही रहेगा मैट्रिक्स के साथ। ओके यहाँ पर भी सेम थिंग, प्लस के ए का पार के, एक मैट्रिक्स आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू आई बोलो डॉट कितना, तो मैं बी तो था आई डॉट ए, बी क्या होता है आई डॉट तुम्हारा, हाँ मैट्रिक आई इंटू ए करो क्या आएगा, ए आएगा। ओके तुम्हारा आई इंटू ए और ए इंटू आई ए आएगा। ओके तो तुम्हारा ये तुम्हारा के ए के बी इंटू, हाँ ए इंटू आई क्या हुआ, ए। अच्छा तुम्हारा यहाँ पर कि ये के ए के माइनस वन बी स्क्वायर। अच्छा देखो ए स्क्वायर कितना आता है, तुम्हारा तुम बोलोगे सारे ये क्यों दिया, ये क्या बेकार में दिया, नहीं है। अच्छा ए स्क्वायर क्या आता है देखो, ओके मीन्स तुम्हारा जीरो वन जीरो जीरो, दो बार इंटू करो, जीरो वन जीरो जीरो,
तो तुम्हारा क्या होगा, ये रो कॉलम सेंट होगा, क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके, देन ये रो इस कॉलम से इंट होगा, क्या जीरो, क्या आएगा अच्छी तरह देखो, ये जीरो इंटू जीरो, अगेन हाँ ठीक है। अच्छा देन तो तुम्हारा ए स्क्वायर क्या होगा, नॉन मैट्रिक्स हो रहा है। ओके, तो तुम क्या करोगे, ये ए स्क्वायर तुम्हारा क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ओके, और नॉल मैट्रिक्स हो रहा है। ओके, अच्छा तो तुम्हारा क्या रहा, ए के बार के प्लस वन डॉट आई। ओके, और ये तुम्हारा कितना, बी ए कॉमन ले सकते हो, बी ए कॉमन लेने से क्या रहा, रुको ए का बार के भी कॉमन ले लेंगे, कॉमन जाने से क्या रहा, ये इसमें रहा के और इसमें, और ये तुम्हारा नॉल मैट्रिक्स, ये तुम्हारा क्या जीरो हो जाएगा। हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। ओके, और यहाँ पर एस का तुम्हारा जीरो हो जा रहा है। ओके, और जीरो इंटू दिस जीरो, हमें यही पी ऑफ के प्लस वन में प्रूव करना था। और एक बात है, इसका एल एच एस जाओगे, एल एच एस को ऐसे दो भाग करो, के प्लस वन होता है तो दो भाग करोगे, जितना सब प्रूफ इसी तरह ही है, दो भाग करोगे, सेकंड वाला भी वही है।